लेके आए हैं उनको तय दिल से मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। जहां माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन हो रही है वहां एक नया प्रोजेक्ट 415 करोड़ का मुंजरी वृद्ध सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है, इसलिए इससे आधार पर 34 गांव की 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हर घर नल 119 गांव नल जल योजना भी स्थापित होगी। मेरे भाई और बहनों, टोटी भी होगी और टोटी के को जब घुमाओगे उसमें अमृत का पानी भी निकलेगा, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। तो एक तरफ जहां किसान के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेके आए हैं, इस मंच से एक ही निवेदन मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं कि एक और परियोजना मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर श्रीमद माधवराव सिंधिया बहुदेशी परियोजना, चंबल की हमारी सहायक नदी कूनो पर 6 बांध बनने जा रहे हैं, 2,00,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 6,500 करोड़ रुपए की योजना है शिवराज सिंह जी की, 5 जिले प्रभावित होंगे, श्योपुर प्रभावित होगा, मुरैना प्रभावित होगा, शिवपुरी प्रभावित होगा, ग्वालियर प्रभावित होगा, गुना प्रभावित होगा। ऐसी योजना केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पूर्ण रूप से सक्षम रूप से क्रियान्वयन कर सकते हैं। मेरा निवेदन है उनसे कि इस योजना की भी पूर्ण घोषणा इस मंच से जरूर करें, ये निवेदन मैं उनसे करता हूं। और आज इस मंच से मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जहां एक तरफ नौजवानों के लिए सोच है, जहां दूसरे तरफ मेरे अन्नदाताओं के लिए सोच है, वहां तीसरी तरफ मेरी मातृशक्ति मेरी नारियों के लिए सोच है। जिस मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी, जो जन्म से घर से विदाई तक उस लाडली लक्ष्मी की सुरक्षा कायम रखने का एक विश्वास और संकल्प लिया था, 1,00,000 रुपए लखपति हर एक नारी को बनाने की सोच थी, आज उसी श्रृंखला में लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है, जहां 1,000 रुपया हर माह हर महीना के खाते में, मतलब 12,000 रुपया प्रतिवर्ष हर महिला के खाते में पहुंचाया जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मैं देख रहा हूं कि मेरी महिलाएं तालियां बजा रही हैं, लेकिन मेरे पुरुष भाई कंजूसी कर रहे हैं, तालियों से महिलाओं के लिए और शिवराज सिंह जी के लिए हम तालियां बजाएं। इन्हीं शब्दों के साथ श्योपुर जिले को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। अरे आज इतनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और पूरा नेतृत्व आज श्योपुर को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए यहां पर उपस्थित है, जोरदार एक बार अभिनंदन करेंगे। भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस क्षेत्र के हमारे लाडले नेता लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में कैबिनेट के मंत्री जो लगातार इस देश के अंदर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस भारत के किसान की आय दोगुनी करने में माननीय मोदी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी यहां पर आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे जिन्होंने आज सिंचाई की परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र को आज सौगात दी है,
जो लगातार सिंचाई के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, इस क्षेत्र के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, सभी सम्मानी मंच पर सम्मानी विधायक, सभी सम्मानी पदाधिकारीगण और इस क्षेत्र में हमारी जनता जनार्दन, मेरी बहनें और भाइयों जो इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मीडिया के मित्रों, आप सबका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं अभी आदरणीय सिंधिया जी ने आपके सामने सारे विषय को रखा है, माननीय नरेंद्र सिंह जी को हम सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सामने अपनी बात कहेंगे, मैं तो केवल कुछ बात का उल्लेख ये करना चाहता हूं कि आज मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी और आदरणीय सिंधिया जी आज हम सब लोगों को यहां एक सौगात मेडिकल कॉलेज की देने आए हैं। मित्रों, 2003 से पहले का मध्य प्रदेश, 2003 से पहले यह दिग्विजय सिंह के बंटाधार के नेतृत्व का जो मध्य प्रदेश था, उस समय के श्योपुर के हालात क्या थे, जब कांग्रेस की सरकारें यहां पर थी तब इस क्षेत्र के हालात क्या थे, और गलती से 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में जो दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी, और गलती से इस क्षेत्र के विधायक भी कांग्रेस के बन गए थे। मैं जनता जनार्दन को आज कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, इस श्योपुर के विकास के लिए किसने काम किया है जो 2003 से पहले बंटाधार था और 15 महीने में गलती से कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, उस समय के हालात क्या थे। लेकिन आज हमें गर्व होता है कि श्योपुर जैसा क्षेत्र, मैं तो यहां का इस क्षेत्र का निवासी हूं, हम लोग देखते थे कि कूनों से लेकर के पालपुर और बीरपुर की डांग किस बात के लिए पहचानी जाती थी, लेकिन आज हमें गर्व होता है यह श्योपुर का क्षेत्र हमारे दो विधानसभाओं का क्षेत्र है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर पधार करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह जी के, आदरणीय सिंधिया जी के प्रयासों से आज यह श्योपुर का क्षेत्र दुनिया के पटल पर जाकर के आज श्योपुर का नाम दुनिया के अंदर हो रहा है। कूनों के अंदर चीते को यहां पर छोड़कर टूरिज्म के क्षेत्र में सिंचाई की परियोजनाओं से जिस प्रकार से आज विकास आज श्योपुर के क्षेत्र में, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम विकास और भारतीय जनता पार्टी पर्याय बनकर के काम कर रहे हैं, तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व श्योपुर के विकास के लिए प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहा है। आज मेडिकल कॉलेज यहां पर दिया है, लोगों को चिकित्सा की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय कर दिया कि हमारे आदिवासी भाई और बहन, हमारा कोई गरीब का बेटा और बेटी, अगर उसके मेडिकल कॉलेज के अंदर उसे प्रवेश लेना है और उसको फीस भरने के लिए अगर उसके पास संसाधन नहीं है, तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं खोला है, मेडिकल कॉलेज में उस गरीब बेटे और बेटी को डॉक्टर बनने के लिए उसके माता पिता को इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी फीस भरने का कोई काम करेगा तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसलिए मित्रों, ये मात्र सौगात नहीं है, यहां पर हम सब लोग मिलकर के आज श्योपुर के विकास के लिए हमारा पूरा नेतृत्व प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहा है, और आज श्योपुर एक दुनिया के पटल पर आकर हम सब अपने श्योपुर के विकास में अपनी सहभागिता और भूमिका तो निभाएंगे, लेकिन मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये पिछले 15 महीने की जो सरकार थी, ये झूठ छल कपट की राजनीति के आधार पर इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था, इनके पास कोई मुद्दे नहीं होकर कल मैं शिवपुरी के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सौगात देकर के शिवपुरी के अंदर पधारे थे। अब आप देखिए कांग्रेस का चरित्र कैसा है। जब मैं भाषण देने के लिए आया तो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इसलिए प्रोटोकॉल कहता है कि पहले मैं भाषण करूं उसके बाद अध्यक्ष का भाषण हो, तो उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इस दिशा में
उस अध्यक्षीय परंपरा में उसके सम्मान के लिए बात की, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहता हूं श्योपुर की जनता के साथ भी, क्योंकि यहां भी विधायक गलती से कभी चुन लिया गया है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और वो कहते हैं, ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अध्यक्ष का अध्यक्ष को भाषण देने से रोक दिया, कोई मुद्दे नहीं है। इसी प्रकार के मुद्दे बनाकर मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व को, मैं कहना चाहता हूं लोगों को जो झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं, मित्रों हम सब मिलकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध तो हैं ही। बैठे हुए मंच पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पूरा मंच और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश में एक टीम भावना के साथ मैदान में उतरे हैं। तुम्हारे इस प्रकार के षड्यंत्र और झूठ और छल कपट की राजनीति न श्योपुर मानेगा, न विजयपुर मानेगा, न मुरैना मानेगा, न मध्य प्रदेश मानेगा। इसका जवाब क्षेत्र की जनता आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में इस क्षेत्र की जनता भी कांग्रेसियों आपको जरूर देगी। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर जो सौगातें श्योपुर को मिली हैं और श्योपुर दुनिया के पटल पर पहुंचा है, मैं एक बार आप सबको बधाई और शुभकामना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को बधाई देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बीडी शर्मा जी। श्योपुर मुरैना संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को बहुत आदर के साथ हम मंच पर आप उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भारत माता की, इतने से काम नहीं चलेगा भैया, जोर से लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ना जोर से लगाओगे, इधर वाले भी लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज श्योपुर क्षेत्र की इस विशाल सभा में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और किसानों के और गरीबों के हितैषी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज इस कार्यक्रम में और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के लाडले नेता और भारत सरकार के केंद्रीय उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, सिंचाई मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी,